देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ऑफ फुटबॉल और फिर उस, उसके बाद में कोई पता नहीं मुझे कौन था लेकिन कोई फुटबॉल लेकर आ गया ग्रेट कोट्स वर इन पायर्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टी अगेंस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो उसके बाद में क्या हुआ खाकी कोट और जो ग्रे कोट से वो दोनों अलग अलग टीम बन गए और वो फुटबॉल के मैदान में आ गए फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में आ गए ठीक है हैंड्स वूल फंड आई लुक ऑन द चीयर क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टैपिंग आर फिट हम लोग है ना जो वुल्फ था और मैं था हम दोनों ने क्या किया हम लोगों ने क्लैपिंग की चीयर किया हमारी टीम्स को और हमारे फीट्स को स्टैम्प किया मतलब उनको आ, ऊपर नीचे किया और बहुत खुश हुए हमने सबको चीयर किया टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस आर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस उसके बाद में उस टाइम मैंने नोटिस किया जो हमारी सांसें हैं ना मतलब हम दोनों के इमोशंस जो थे ना वो हवा में घुल गए थे हम दोनों के इमोशंस सेम थे ठीक है उधर जो हमारी एनिमी साइड थी वो भी चाह रही थी कि शांति हो जाए हम लोग सब साथ में हो जाए और हमारी टीम भी यही चाह रही थी ही सो इट टू एंड स्माइल्ड उन्होंने ये देखा और उन्होंने भी स्माइल करके मुझसे कहा जिम मैकपर्सन ही सेट आफ्टर अ वाइल्ड आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर ए फुटबॉल मैच तो उन्होंने बोला कि हम लोग हमारे जो वॉर है उसको यहीं पर दिखा देते हैं कि फुटबॉल मैच करके ठीक है हम लड़ाई झगड़ा करके या राइफल से एक दूसरे को मार के ऐसा ना करें और हम एक सिंपल सा फुटबॉल मैच कर लेते हैं नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच क्योंकि उन्होंने कहा कि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है ठीक है नो चिल्ड्रेन ऑर्फेट कोई भी जो बच्चा है वो अनाथ नहीं होता नो वाइफ बिकम विडो और वाइफ जो हैं वो विडो नहीं होती क्योंकि ये इसका फुटबॉल जो मैच होगा वो हैप्पी एंडिंग के साथ होगा और जो हमारे वॉर्स होते हैं हमारे युद्ध जो होता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर किसी का नुकसान होता है ठीक है आई वुड प्रफ़र क्रिकेट आई टोल्ड डिफ मैंने बोला कि अगर मैं होता तो क्रिकेट प्रिफर करता क्योंकि इंग्लैंड में जो रहते हैं ब्रिटिशर्स जो तो होते हैं वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छे होते हैं दैन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ मीनिंग प्रोबेबली फिर आ, मैंने और मैंने उनको बोला कि टॉमीज जो हैं मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं डेफिनेटली जो क्रिकेट मैच अगर होता तो वो विनर्स रहते हैं वी लाव डेट दैट और हम दोनों इस बात पर हंसे एंड टुगेदर वी वॉच द गेम और हम दोनों ने साथ में मैच देखना शुरू कर दिया जो कि हमारी टीम्स खेल रही थी Said to say, लेकिन ये मुझे बताते हुए काफी दुख हो रहा है कॉनी कॉनी यहाँ पे वो लिखता है और उनके टू वर्ल्स हो गए थे बट एजी साइड लेकिन जो हमारे थे, हमारे जर्मन टीम के जर्मन टीम के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि अवर गोल वॉज वाइडर दैन देअर्स उन्होंने बताया कि हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के जो गोल थे ना वो काफी वाइडर थे उन उनकी कंपैरिजन में ठीक है सो इट वॉज क्वाइट फेयर तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ काफ़ी मतलब फेयर नहीं हुआ है फेयर रिजल्ट नहीं है कि हमारे गोल्स ज़्यादा बड़े थे ठीक है द टाइम केम एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश्ड और वो टाइम आ गया जब जो गेम था ना वो फिनिश हो गया द स्कैप्स एंड द राम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट और सारी जो हमने खाने पीने की चीजें थी वो ख़त्म हो गई एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर हम लोग सब जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है ओवर हो गया है तो आई विश हेम्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन वन और हम लोग चाह रहे थे कि इनकी जो सीजें खत्म हुई उनके साथ ही हमारा वॉर भी खत्म हो जाए और हम सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज में चले जाएँ फैमिलीज के साथ चले जाएँ ठीक है दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम हम सब लोग चाह रहे थे कि जो फाइटिंग चल रही है ना वो खत्म हो जाए वो बंद हो जाए और हम लोग हमारे घरों घरों में चले जाएँ घर पहुँच जाएँ ठीक है आई थिंक दैट इट्स वॉट वेरी सोल्जर वॉन्ट्स और मुझे लग रहा था कि हर सोल्जर एवरी सोल्जर ये चाहता था ऑन बोथ साइड और दोनों साइड्स में से हैंड्स वॉल्स सेटफिन हैंड्स वॉल्स ने हमें मुझे कहा टेक केयर ध्यान रखना जी मै पर्सन आई शेल नेवर फॉगेट दिस मोमेंट नॉर यू उन्होंने बोला कि मैं ये इस मोमेंट को आज जो जो कुछ भी हुआ हम उसको कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता और ना ही तुम्हें ही सॉल्यूट एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली और उसने हमें मतलब जो भी उनका आ, 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 सल्यूट करने का तरीका होता तो सल्यूट किया और वो लोग हमारे पास से अपनी अपने साइड में जाने लगे ठीक है अनविलिंगली अनविलिंगली मतलब अनचाहे मन से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो जाना नहीं चाहते हो आई फेल्ट मुझे लगा ठीक है। uh, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ग्रे कोर्ट है ना वो अपने की तरफ, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ गड्ढे होते हैं जहाँ पे वो सोल्जर होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं ठीक है वो अपनी टीम की तरफ वापस जा रहे थे That night, उसी रात बैक इन आर डग आउट्स जब हमारे डग आउट्स पर हमारे नेचर पर हम पहुँच गए वी हीयर दैम सिंग सिंगिंग ए कैरोल हम लोगों ने सुना एक कैरोल कैरोल का मतलब होता है जो क्रिसमस ईव होती है उस दिन जो सॉन्ग गाया जाता है उसको कैरोल बोलते हैं ठीक है थेके? तो हमने सुना वो उसकी आवाजें सुनी एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल और ये बहुत ही सुंदर तरीके से गाया जा रहा था इसकी बहुत ही प्यारी जो वॉइस थी वो हम तक पहुँच रही थी इट वॉज स्टिल नेचर स्टिल साइलेंट नाइट और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ठीक है और अब अ बॉयज गेव राउजिंग कॉर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉश और ये किन किन की कि तरफ से आ रहा था जर्मन साइड की तरफ से ये आवाजें आ रही थी और हमारे बॉयज ने भी मतलब जो ब्रिटिशर्स की साइड से बॉयज थे उन्होंने भी इसका कोर्स दिया मतलब पीछे से बैकग्राउंड कुछ उन्होंने भी गाया और ये सारी चीज़ें शेफर्ड्स जो थे वहाँ के गडरिए वहाँ के चरवाहे जो थे उन सब चीज़ों को देख रहे थे वी एक्सचेंज करोल्स फॉर ए वाइल्ड एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट हम लोगों ने कुछ देर तक वो सॉन्ग को साथ में गाया एक दूसरे को एक्सचेंज किया ठीक है उसके बाद में सब कुछ शांत हो गया वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग आई लिव हम लोगों ने ये जो टाइम था बहुत ही पीस और बहुत ही खुशी के साथ तो बिताया और ये टाइम जो है ये एक खजाना है मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी का ठीक है ये बात कौन बोल रहा है जिम मैकपर्सन ठीक है फिर उसके बाद में वो लास्ट में लिखते हैं अपने लेटर में डियेस्ट कॉनी प्यारी कॉनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर और जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगा दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी ये जो है ये वॉर जो है ना ये नहीं रहेगी और शायद ये कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी सी मेमोरी बन के रह जाएगी ठीक है आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस और जैसा भी आज को जो भी हुआ ठीक है हम दोनों की टीम्स जो हैं दोनों आर्मीज जो हैं वो आ, पीस को चाहती हैं वॉर को नहीं चाहती हैं वी शेल बी टुकड़े अगेन अगेंस्ट और हम लोग जल्दी ही साथ में होंगे आई एम श्योर ऑफ इट और मैं इसके लिए पूरा विश्वास है मुझे ठीक है लास्ट में वो लिखते हैं योर लविंग जेम ठीक है loving, जे, तो उसके बाद में जो हमारा थर्ड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे लेटर जो है वो यहाँ तक फिनिश हो चुका है उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट होता है आई फोल्डेड द लेटर अगेन जो ऑथर है ठीक है जिनको वो लेटर मिला था उन्होंने वो लेटर को फिर से फोल्ड कर दिया स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू इट्स एनवोलॉप और उन्होंने वापस केयरफुली उसको उस एनवोलॉप में रख दिया आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट उस रात मैं सो नहीं पाया कौन नहीं सो पाया जो ऑथर है ना जिनको वो मिला था लेटर वो वो बोल रहे हैं कि उस रात मैं सो नहीं पाया बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू और सुबह होते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है ठीक है आई ड्रॉप इन टू ब्रिजपॉट में कहा पहुंचा ब्रिज पॉट पे पहुंचा जस्ट अ फ्यू माइल्स है जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे था आई आज अ बॉय वॉकिंग डॉग वेयर कॉपर बीच इज वॉस मैंने एक बॉय से जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था मैंने उससे पूछा कि, कि ये जो कॉपर बीच है ये कहाँ है हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू तो बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल्फिर मैं वहाँ पर पहुँच गया फिर जाके मैंने वहाँ पर जब देखा तो वहाँ पे जो हाउस नंबर ट्वेल्व था जो कि लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पर पहुँच जाने के बाद मैंने देखा कि जो वो पूरा घर है ना वो तो जल चुका है मतलब उसमें कोई नहीं रहता पूरा जला हुआ सा घर रहता द रूफ गैपिंग रूफ जो है ना उसकी छत जो है टूटी सी है द विंडोज बोर्ड विंडोज भी उसके घर में नहीं है और जो भी है, वो टूटी वूटी सी हैं आई नॉट एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्ट इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन ठीक है और फिर मैं उसके पास में जो एक घर था उसमें जाके मैंने पूछा नॉक किया वहाँ के घर को ये पूछने के लिए कि कोई मिसिस मैकपर्सन को जानता है वहाँ पे ओ यस एट द ओल्ड मैन इन ए स्लीपर तो उस उस घर में से एक जो बूढ़े से आदमी निकले जो कि अपने उन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई थी उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ ही न्यू हर वेल वो, वो मिसिज मैकपर्सन को बहुत अच्छे से जानते थे अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड में उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है वो बिट मडल हैडेड शायद वो थोड़े से कन्फ्यूज लग रहे थे मडल हैडेड का मतलब होता है कन्फ्यूज ठीक है बट बोला उन्होंने बोला कि वो जो लेडी है बहुत ही अच्छी हैं और थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हैं उन्होंने बोला कि वो कंफ्यूज रहती हैं ना बट ऐसी एज में ऐसा हो जाता है क्या नहीं होता उन्होंने मुझसे पूछा कि क्योंकि वो उनकी एज जो है ना आ हंड्रेड एंड वन ईयरस ओल्ड वो एक सौ एक साल की थी ठीक है शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर जब वो उनको देखा गया तो वो यहाँ पे उनके घर में आग लग गई थी नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्ट किसी को पता नहीं है कि आग हाँ कैसे लगी बट इट कुड बी शायद लेकिन शायद ऐसा सुनने में आता है कि वेल हैव बीन कैंडल शायद कैंडल्स की वजह से ऐसा हुआ था कैंडल्स की वजह से आग लग गई थी शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी उसकी जगह पे क्या यूज करती थी कैंडल्स यूज़ करती थी बिकॉज शी ऑलवेज क्योंकि वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो थोड़ी महंगी होती है तो उसकी जगह वो कैंडल्स यूज करती थी द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम फायरमैन जो था वहाँ पे आग बुझाने वाला जो आदमी था उन्होंने उस उन लेडी को को मिसेस मैकपर्सन टाइम से बाहर निकाल लिया वरना तो वो भी प्रॉब्लम में आ जाती शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ तो फिर उन ओल्ड आदमी ने मुझे बताया कि वो जो है ना वो पास वाले नर्सिंग होम में है और बर्लिंगटन हाउस वो बर्लिंगटन हाउस में है ऑन द डॉर्चेस्टर रोड जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन और इस टाउन के दूसरे साइड में है ठीक है उसके बाद में आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस फिर मैंने ना बर्लिंगटन हाउस uh, जो है वो ढूंढ लिया नर्सिंग होम ईजीली इनफ और काफ़ी ईजी रहा मेरे लिए नर्सिंग होम को ढूंढना ठीक है देयर वर पेपर चेंज अप इन द हॉलवे एंड आई लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ल लूप साइड एंजल फिर मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे क्रिसमस ईद की तैयारी थी मतलब uh, जो ट्री को था तो वो सजाया हुआ था और लैम्पस और ये सब कुछ लगाया हुआ था ठीक है ऑन द टॉप आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट तो फिर मैं वहाँ पे जाके मैंने देखा और मैंने बताया कि मैं कौन हूँ मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ और मैं उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ आई कुड सी थ्रू into द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग paper पेपर and एंड सिंगिंग तो मैंने वहाँ पर जब ये बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो वहाँ पर हॉल में है ना जितने भी लोग हैं वो उन्होंने सबने पेपर का हैड पहना हुआ है और सब लोग सिंगिंग कर रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं द मार्टन एंड हैड ऑन टू एंड सीन हैप्पी इनफ टू सी मी और वो जो वहाँ की मार्टन थी वो भी काफ़ी खुश हुई मुझे देख कर और उन्होंने भी एक कैप पहना हुआ था ठीक है शी इवन ऑफर्ड मी है उन्होंने भी मुझे uh, इवन उन्होंने मुझे ऑफर भी किया कुछ पीने के लिए ठीक है शी वॉक में अलोंग द कॉरिडोर और वो मेरे साथ कहाँ तक आईं कॉरिडोर तक मुझे लेकर गईं मिसेज़ मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स शी टोल्ड में उन्होंने बोला कि मैकपर्सन जो है ना वो किसी औरों के साथ नहीं है वो अकेली हैं शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे शो वी थाट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट तो हम वो आज काफ़ी कन्फ्यूज लग रही थी तो हमने सोचा कि उनको मतलब रेस्ट करने के लिए दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा मतलब वो उस पार्टी में शामिल नहीं थी मिसिज मैक पर्सन जो हॉल में पार्टी चली थी उसमें शामिल नहीं थी वो अकेले रेस्ट कर रही थी ठीक है शी हैज़ नो फैमिली यू नो तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कोई फैमिली नहीं है आपको पता है ना नो वन विजिट कोई भी नहीं आता यहाँ उनसे मिलने के लिए सो आई एम श्योर तो मुझे पक्का पता है मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ कि शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू तो आज वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देख कर कि तुम उनके लिए ये प्रेजेंट लेके आए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आए उनके लिए ठीक है शी टुक मीन टू एंस कॉन्सर्वेटरी विथ बिगर चेयर्स एंड पोर्टेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में तो वहाँ पर उन्होंने मैंने देखा कि वो बैठी हुई हैं एक चेयर पर ठीक है और साइड में उनके बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं ठीक है और वो वहाँ पर मुझे छोड़कर चली गई द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व व्हील चेयर और जो मिसिस मैकपर्सन जी थी थी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप वो उनकी गोद में उनके हाथ बंधे हुए थे शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू विस्पी बन उन्होंने उनके जो वाइट हेयर्स थे ठीक है सिल्वर वाइट हेयर जो थे उन्होंने पिन किए हुए थे एक विस्पी बन बनाया हुआ था मतलब एक जूड़ा बनाया हुआ था शी वॉज गेविंग आउट द गार्डन वो गार्डन की तरफ घूर रही थी देख रही थी मतलब हेलो आई सेड मैंने उनको बोला हेलो शी टर्न एंड लुकड अप एट मी वेकेंटली उन्होंने मेरी तरफ देखा मतलब बिना किसी इमोशंस के और हैप्पी uh, क्रिसमस कौनी फिर मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कौनी 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 कौन बोलता था मिसेस मैकपर्सन के जो हस्बैंड थे ना जिम वो उनको बोलते थे ठीक है आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस तो फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताना शुरू कर दिया कि ये ना मैंने ये लेटर uh, जो है वो किस तरह से uh, मुझे मिला और ये सब कुछ आई थिंक इट्स योर फिर मैंने उनको बोला कि शायद ये आपका है एज़ आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस और वो मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी कि जैसे uh, Uh, वो मेरे फेस uh, से उनकी नज़र हट ही नहीं रहा वो आई ओपन द टेन बॉक्स एंड गेव इट टू हर मैंने वो जो बॉक्स था वो ओपन किया और उनको दे दिया दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम स विद अ सडन ग्लो ऑफ हैपीनेस और जो जैसे उन्होंने वो बॉक्स देखा वो एनवोलोप देखा तो उनके फेस पे एक चमक आ गई उनके लाइट आइज़ में एक चमक आ गई और बहुत खुश हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस लेटर को देखते ही पहचान लिया हो ठीक है और वो बहुत खुश हो गई एक हैप्पीनेस का ग्लो उनके फेस पे आ गया आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्ट मैंने उनको सारी चीज़ें बताई मैं उनको एक्सप्लेन करा था कि कैसे मुझे डेस्क मिली फिर उसमें कैसे मुझे ड्रॉर मिला ड्रॉर के अंदर ये टिन का बॉक्स और ये सब चीज़ें अबाउट हाई हेड फाउंडेट मैंने इनके बताया उनको बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिखनिंग लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी बात सुनी ही नहीं रही है फॉर अ वाइल्ड

फिर उन्होंने बोला कि और तुम आ गए हो और ये बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में कम क्लोज़र जिम डी है सेट डाउन और फिर उन्होंने मुझे बोला कम क्लोज़र जिम नीचे बैठो मेरे पास बैठो आकर ठीक है तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो मिसेस मैकपर्सन जो है ना वो ऑथर को क्या समझ रही है जिम समझ रही है वो उनको उसमें वो दिखाई दे रहा है ठीक है तो वो उसे जिम समझ रही है और उसी तरह से उनसे बात कर रही है ऑथर से ठीक है आई सेट डाउन बिसाइड से फिर मैं भी उनके पास में बैठ गया एंड शी किस माई चीक और उन्होंने मेरे चिक पे किस किया आई रीड योर लेटर सो ऑफन तो वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारा लेटर बहुत बहुत बार पढ़ती हूँ जिम एवरी डे मतलब रोज आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड में और तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो मेरे सर में सुनना चाहती हूँ इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी और ये जो आ, ये जो बात है ना ये मुझे हमेशा एहसास करवाती है कि तुम मेरे साथ ही हो एंड नाउ यू आर और आज तो तुम सच में मेरे साथ हो नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्व और आज तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हो वुड यू डू दैट फॉर मी जिम इतना कर सकते हो प्यारे जिम ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू ही सुनना चाहती हूँ आई वुड लव दैट सो मच और ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ एंड देन परस वी विल हैव समी और उसके बाद जब तुम लेटर पढ़ लो उसके बाद में चाय बनाऊंगी आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक और मैं एक बहुत अच्छा सा केक बनाऊंगी मार्जिपन ऑल अराउंड और उसके चारों तरफ क्या होगा मार्जिपन होगा आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन मार्जिपन हमने पहले पढ़ चुका है तो कि केक की के जो लेयर होती है केक की के जो कवरिंग होती है जो आमंड शुगर और इनसे बनती है वो है और जो वो जिम को कितना पसंद होती है ये बात मिसेस जिम को अभी तक पता है ठीक है उन्हें याद है तो बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन केक कितना अच्छा लगता है ठीक है तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है ये माइकल मोरपैग uh, ने मैगो ने लिखी है ठीक है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें ये दिखाया गया है कि एक लव मतलब एक हस्बैंड वाइफ का जो लव है वो इसमें शो किया गया है ठीक है सो दिस इज योर स्टोरी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय